ओम साई राम। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, क्या कभी आपने कपड़े के बैग से साईं बाबा का मुकुट बनाया या किसी और भगवान का मुकुट बनाया है कपड़े के बैग से? यदि नहीं तो इस वीडियो को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सुंदर बना है ये मुकुट और बनाने में भी बहुत आसान है। इसमें मैंने ना तो बुकरम का यूज किया है ना ही किसी पेपर का यूज किया है, तो अगर आप इसको देखेंगे बहुत परफेक्ट बना है। तो मैं यहाँ पर अपने साईं बाबा को आपको पहनाकर दिखाऊंगी कि हमारे साईं बाबा के कैसा आया है। और मैंने ज्यादा सामान भी यूज नहीं किया, सिर्फ लेस और कपड़े का बैग, तो इससे मैं दिखा रही हूँ। तो चलिए पहले मैं अपने साईं बाबा को पहना कर दिखाती हूँ। तो ये मेरे साईं बाबा हैं, इनको मैं ये मुकुट पहना कर दिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने पिछले हफ्ते साईं बाबा के वस्त्र भी बनाए थे, ये भी मैंने कपड़े के बैग से बनाए थे, तो आप इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले मेजरमेंट लेकर दिखाऊंगी मुकुट का कैसे लेना है। तो मुकुट बनाने के लिए हमें लेना है मेजरमेंट। हम साईं बाबा के सिर पर मेजरमेंट टेप रखेंगे और देखिए इस तरह से घुमाते हुए ये लेते जाएंगे। ये हमें साइड पर लेना है और ध्यान रखना है कि जहां पर बाबा ने कफनी पहनी हुई है, ठीक है, कफनी की जो गांठ है उसके ऊपर से लेना है हमें। ये देखिए कफनी के ऊपर, ये देखिए ऊपर से कफनी के ऊपर आ रही है, ठीक है, इस तरह से हमें लेना है। और ये कितना लेना है, 4.25 आ लेंगे हम, 4.5 लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ढीला लेना है हल्का सा, तो 4.5 हम लेंगे, 4.5 इंच, ये मैं इंच में बना रही हूं, और बस कट कर देंगे। तो यहां 4.5 के उस पर मैंने निशान लगाया है। अगर आपका दूसरा कपड़ा है तो उस पर आप आधा इंच और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि उसके धागे निकलते हैं, जबकि ये कपड़े का बैग जो है इसके धागे भी नहीं निकलते हैं और बहुत ही स्ट्रांग बनेगी। इसमें आपको कोई बुकरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां देखिए मैंने ये लिया 1 इंच और ये लिया 4.5 इंच, ये डबल कपड़ा है और यहां से मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये ली है लेस, इसको कट करेंगे, तो यहां पर मैं इसको यहां अटैच कर दूंगी। आप चाहे तो सिलाई मशीन से कर दीजिए, चाहे आप सुई धागे से कर दीजिए। तो ये देखिए अटैच हो चुकी है। अब हम एक और पट्टी लेंगे, ये भी हमने डबल ली है, और इससे हम बनाएंगे जो पंखी है ना वो बनाएंगे, तो 7.25 और ये 2 इंच। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेस अटैच कर देंगे। तो लेस हमने देखिए पहले से अटैच की हुई है इस तरह से, और बस अब इसको एक साइड रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे, जैसे आप साड़ी में प्लेट्स लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। साड़ी में हम प्लेट्स बनाते हैं नीचे, उसी तरह से हम इसको लगाते जाएंगे। तो एक के ऊपर एक रखते हुए हमें इसे फोल्ड लगाना है और बहुत पास पास लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई बुकरम या कोई हार्ड पेपर भी यूज नहीं किया है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। और अब कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से पकड़े, और अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं पकड़ में आ रहा है तो एक के ऊपर एक करके भी ले सकते हैं, और नहीं तो अलग अलग भी इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरे एक में लूंगी। पहले सबसे पहले नीचे से हम इसको एक साथ लेंगे और बस दो एक टाके अच्छे से लगाएंगे मजबूत, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए कहीं कोई प्लेट रह गया तो उसको भी ऐसे कवर कर लेंगे। ये देखिए हो गया सेट अच्छे से, और अब यहां से बंद कर देंगे। कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत आसान है बनाना ये मुकुट। अगर आप इस तरह से मुकुट भी बना सकते हैं, चाहे तो पगड़ी भी बना सकते हैं, ठीक है, ये दोनों काम करेगा, मुकुट का भी काम करे और पगड़ी का भी। बहुत सुंदर रिजल्ट है, मेरे को तो बहुत पसंद आया। आप चाहे तो आप भी ट्राई करेंगे तभी आपको पता चले। तो इस तरह से ये ले लिया हमने, ये तैयार हो चुका है हमारा पोर्शन, अब हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पहले बना था इसको हम इस तरह से बंद करेंगे। तो यहां सुई धागे से मैं इसको, तो इस तरह से आप अपनी दुर्गा जी के, कृष्ण भगवान के मुकुट को बना सकते हैं। जरूर नहीं कि आप नॉर्मल कपड़ा ले, जो भी आपके पास कपड़ा है। यहां पर मैंने सोचा कुछ नया करके दिखाया जाए, तो मैंने सोचा कपड़े के बैग से बनाते हैं। बस कपड़े का बैग नया होना चाहिए, ठीक है, एकदम फ्रेश होना चाहिए, और ये धुलने के बाद भी खराब नहीं होगा, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। अब इसको अटैच कर देंगे हम इस तरह से, ये भी मैं करके दिखाती हूँ आपको।
तो सबसे पहले हम यहाँ पीछे से लेंगे इसको, पीछे से हम सुई को निकालेंगे आगे की तरफ और सब साइड साइड से छोटा छोटा टाका लगाना। ध्यान रखना ऊपर की साइड से हम छोटे टाके लगाएंगे, ठीक है। और आप अंदर की साइड से आप बड़े टाके ले सकते हैं, लेकिन ऊपर से जो लगाएंगे वो छोटे छोटे टाके लगाएं ताकि सिलाई दिखाई ना दे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपने कृष्ण भगवान के लिए या अब नवरात्र आने हैं तो दुर्गा जी के लिए भी इस मुकुट को बना सकते हैं। जब आप इनको इस मुकुट को धोंगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि श्रिंक हो गया हो, सिकुड़ेगा नहीं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ये कपड़ा बहुत अच्छा होता है और इसमें अच्छी खास बात ये है ना, इसमें कुछ आपको कुछ कपड़ा ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं इससे पहले भी कुछ साईं बाबा के वस्त्र बनाई हूँ और अभी पिछले हफ्ते मैंने साईं बाबा के वस्त्र बनाए थे और बहुत अच्छे बने हैं और मैं साईं बाबा को पहनाई हूँ। बस ध्यान रखना है थोड़ा डबल लेयर में बनाना है, कपड़ा थोड़ा पतला होता है लेकिन धुलने के बाद खराब नहीं होगा। मेरा पहले वाला मैंने सिंगल लेयर से बनाए थे बाबा के वस्त्र, तो थोड़ा पतला लग रहा था देखने में लेकिन खराब नहीं हुआ था फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो इस बार अब मैंने सोचा कि क्यों ना अब आपको फिर पूरा सेट बना के दिखाया जाए, तो मैंने सोचा कि वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मुकुट बाद में दिखाते हैं। तो देखिए अब मेरा मुकुट भी रेडी हो चुका है मैंने, इसलिए यहाँ पर आप चाहे तो कोई शो के लिए कोई मोती वगैरह भी लगा सकते हैं लेकिन मैं कुछ नहीं लगाऊंगी क्योंकि सिंपल देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। तो बनाने की जरूर कोशिश करें और फिर अपनी चाहे साईं बाबा के लिए बनाएं आप, चाहे कृष्ण भगवान के लिए या किसी भी भगवान के लिए बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेंगे। और हाँ, बनाने के बाद मुझे बताएं जरूर कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या मेरा काम का है टिप। बस ध्यान रखना है कपड़ा एकदम साफ होना चाहिए, नया होना चाहिए, ऐसा ना हो यूज किया हुआ, क्योंकि भगवान का कोई भी हम काम करते हैं वो उसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मैं देखिए साईं बाबा को वस्त्र पहना रही हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।